उन्होंने तैयारी कर ली मंदिर बनाने की, तो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट का बात कर रहा है, अब मंदिर बनेगा क्या? देखिए ऐसा है, हम कोर्ट की प्रतीक्षा एक सीमा तक करेंगे, क्योंकि कोर्ट का इतिहास बड़ा लंबा है। 1885 से यह मुकदमे चल रहे हैं, 133 साल हो गए मुकदमे चलते हुए, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। फिर भी हम धैर्य खोते नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके रुख की प्रतीक्षा अवश्य कर रहे हैं कि उनका रुख क्या है। अगर वे मुकदमे में हमें उलझाना चाहते हैं तो हम अब मुकदमे में उलझना नहीं चाहते। हमारे पास एक सरकार है, हमारे पास समर्थन है, हमारे साथ देश है, और देश की भावना का अनादर, मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट देश की भावना का अनादर करेगा। कोई कोर्ट देश से ऊपर नहीं हो सकता, देश की भावना का आदर करना भी न्यायालय का धर्म है, इसलिए न्यायालय अपने धर्म का पालन करेगा, और अगर उसमें शिथिलता दिखाई पड़ती है तो संसद अपने अधिकार का उपयोग करेगा। सर, संतों का स्टेटस जी, राम जन्मभूमि की लड़ाई में जितने लोग इस लड़ाई के शुरू में थे उनमें केवल दो ही लोग बचे हैं, एक नृत्य गोपाल दास, दूसरे चिन्मयन। इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा अपने जीवन काल में, ही नहीं बहुत जल्दी ही रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधारेंगे, उनका हम अभिनंदन करेंगे। भगवान श्री राम से होती है, आज से फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा। जी, अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है, अब फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा। हम अपनी खोई हुई संस्कृति जो मुगल काल में और पराधीनता की अवधि में विकृत की गई, उसको वापस लाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को वापस लाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें आंशिक रूप से हमें कामयाबी मिल चुकी है, शेष कामयाबी मिलने के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है।